sebagai perkataan dan sebuah Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Yeah.
चरण में अपराध हो जाएगा और जो हमारी जो भक्ति है ना वो भक्ति घटती रहती है, भक्ति घटने लग जाती है। सबसे बड़ा खतर है, इसलिए भगवान अपना मात को भी माफी दी है। महाप्रभु जब नवद्वीपा में सबको प्रेम दे रहे, लेकिन सची मैया भी बाहर खड़ी हुई, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आ रहा था, महाप्रभु बुला नहीं रहे। भक्तों ने पूछा प्रभु जी अब तो सबको प्रेम दे रहे, अपना मात को नहीं दे रहे। बलि मैया ने वैष्णव चरण में अपराध किया, किसकी चरण में, मतलब अद्वैत आचार्य के चरण। बोले कैसे, महाप्रभु का जो बड़े भाई विश्वरूप था जब उन्होंने संन्यास ले लिया और किसको टोल में पढ़ते जाते थे, अद्वैत आचार्य का, और अद्वैत आचार्य सदा सिंह महाविष्णु है, वो तो हर चीज भक्ति पर को व्याख्या करते थे, जीवन दुर्लभ है, जीवन पागल नहीं करनी चाहिए, जीवन को नष्ट नहीं करनी चाहिए, ये जीवन बारम्बार ठाकुर जी नहीं देते, 84 लग के जीवन को बाद में मिला विषय तो संसार का विषय को हर जीवन में मिलता है, लेकिन ये जीवन बारम्बार नहीं। ये सब कथा सुनते 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 उसको मन में बैराग्य, जो कहते हैं जीवन को हमें बर्बाद नहीं करनी चाहिए, फिर भी जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने संन्यास ले लिया। जब संन्यास ले लिया इतने में सची मैया को दुखी हो चुकी, क्यों, एक पिता माता बच्चे को इतने कष्ट से भरण पोषण करते हैं, भले क्यों भरण पोषण करते हैं, वो तो बुढ़ापा में हमारी लकुटी बनेगा या लठिया बनेगा, हमें बुढ़ापा में जो मदद करेगा बच्चा, इसलिए तो बड़े बनाते हैं ना। लेकिन जब उन्हें साधु बन गए, दुनिया दुखी हो गई मैया सची, भले केवल अद्वैत गरिमा है, इतने चंद्र जैसे बेटा, इतने सुंदर बेटा को इसने साधु बना दिया, अब ऐसे पढ़ाया उसको, ऐसे पढ़ाया साधु बन गया है। इसलिए एक और कहता है अद्वैत, अद्वैत मतलब होता है आ मतलब नहीं, द्वैत मतलब तो सबको जो एक साथ रखता है, लेकिन वो तो द्वैत, द्वैत मतलब हमसे बच्चे को अलग कर दिया, हमसे बच्चे को उन्होंने अलग करके उन्हें साधु बना दिया है। जब उन्होंने ये बात को बोले महाप्रभु को सर्वज्ञ कर दिया, तो सब जानते घटघटवासी, इसलिए महाप्रभु बोले इसने अद्वैत का चरण में अपराध किया, वैष्णव अपराध किया है। इसलिए बोले क्या करना पड़ेगा, बोले जिसकी चरण में अपराध हो जाए उनकी चरण में जाकर माफी मांग लिया, फिर हमारी रूप को देख करके है जब सचमुच से उनका हृदय विफलता है, द्रवीभूत हो जाता है, नहीं इन्होंने जो अपराध किया है, इन्होंने जो अपराध किया है इसी के लिए ये पश्चाताप कर रहे हैं, जब उनके हृदय में ये चीज भावना आए ना, तब वो हृदय से कृपा करते हैं, हृदय से फिर दया करते हैं, इसलिए पहले उनको अद्वैत चरण में माफी मांगना पड़ेगा। देखो सच माँ को है, माँ जसोदा कृष्ण की माँ, भगवान की माँ, अद्वैत आचार्य जो बनो सदा से जैसे लड़का है, जैसे वो बेटा है, लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं तुम जितने बड़े क्यों नहीं हो, अगर किसी वैष्णव चरण में अपराध किए हो तुमको जाकर उसके चरण में माफी मांगनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बोले मैंने तुम्हारे चरण में अपराध कर दिया, इसलिए तुम माफ कर दो, बोले मेरे चरण में तुम तुम्हारे माँ महाप्रभु को माँ हाँ जगत जननी तुम हो, विश्व ब्रह्मांड की तुम माँ हो, और माँ की माँ कभी बेटे को चरण में अपराध करता है, बेटा माँ की चरण में अपराध करता है, इसलिए तब उन्होंने माफी मांगी नहीं, बोले बेटा फिर अपराध कर दो। महाप्रभु कहते हैं प्रेम नहीं देंगे, अगर प्रेम नहीं देंगे तो ये जीवन तो प्रेम धन बिना और दरिद्र जीवन, इसका मतलब है अगर जीवन में तुम्हारे पास में सब कुछ है लेकिन भगवान के प्रति तुम्हारी प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, फिर तुम्हारी जो जीवन है ना ये दरिद्र जीवन, फिर तो तुम्हारे जीवन का कोई महत्व नहीं, जीवन तुम्हारी बेकार है। इसलिए उन्होंने जब बोले इतने में अद्वैत आचार्य उन्होंने सुनकर बेहस हो, जब बेहस हो गई इतने में सची मैया गई और अद्वैत का चरण अपना सर पर है, सर पर ले लिया, तो वैष्णव अपराध दूर हो गया, फिर महाप्रभु को प्रेम प्रदान करते। इसलिए कहते भक्ति जगत में सबसे बड़ा जो खतरा है वैष्णव चरण में
साधु के चरण में अपराध हो जाए, इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अगर मेरे पूजा हाथ अगर कभी वैष्णव मेरे भक्तों की विरोध में अगर जाएगा ना हाथ को भी माफ नहीं करूँगा कि हाथ को मुझे काट है। इसलिए महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं कहते ये भक्ति एक लता है, कहते ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ये मानव शरीर और इसमें भी दुर्लभ है भक्तों का संग मिला, बोले इसकी कृपा से बोले साधु गुरु कृपा से ही ठाकुर को कृपा से हमें शुद्ध भक्तों का संग मिलता है। शुद्ध भक्त हमें जो मंत्र प्रदान करते हैं वो बीज, लेकिन बीज तो बो दिए लेकिन उसमें पानी की जरूरत है ना, और पानी क्या बोले ये श्रवण कीर्तन ये पानी, मतलब जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो पानी का काम करते हैं, इसलिए अगर पानी का काम करेगा तो क्या होगा धीरे 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 लता बढ़ते रहेगी, लता ये बढ़ते रहेगी, भक्ति एक लता जैसे बढ़ते तो रहेगी, लेकिन अगर बीच में कहती जो अगर किसी वैष्णव चरण में अपराध हो गया तो उसको उदाहरण क्या कहते हैं, जैसे पागल जैसे हाथी, जैसे पागल हाथी किसी बाग में प्रवेश करते हुए क्या करेगा एकदम बिना लता पता हुए जैसे सूर्य में पकड़ के ना और उठा कर फेंक देगा, जैसे कोई पेड़ हो हम उसको काट दो जैसे बरगद का पेड़ ऊपर से काट दिया बिना लाइने शाखा निकल गई, लेकिन अगर किसी को जड़ से ही उखाड़ दो फिर तो कोई किसी का चांस है। इसलिए बताए कि जो वैष्णव अपराध है ये क्या है, तो भक्ति को जड़ समेत पकड़ कर उसको फिर हृदय सूखा हो जाता है, हरिनाम करने की इच्छा नहीं करेगी, भजन करने की इच्छा नहीं करेगी, भक्ति करने की इच्छा नहीं करेगी, क्यों हृदय से ये भक्ति रूपी जो लता जो जड़ को इसको पूरा एकदम उखाड़ दिया एकदम उखाड़ देता है। इसलिए साधु सावधान, इसलिए जो महाप्रसन्न पाते हैं ना कहते साधु सावधान फेर कहीं कर अवधान, दो बार कह रहा हूँ अवधान मतलब ध्यान पूर्वक सुना, बोले नाम ब्रह्म है वैष्णवे सब तो पुनंग बतंग राजन विश्वास नहीं जाएगी, कहते हैं राजा जिनकी कम पुण्य है ऐसे चार वस्तु में इनकी भगवत नहीं होता है, बोले महाप्रसाद गोविंद भगवान का नाम और वैष्णव है कहते इनके प्रति इनकी भगवत बुद्धि नहीं होता है, बड़े पुण्यात्मा व्यक्ति को ये चार वस्तुओं में प्रेम होता है, है? इसलिए महाप्रभु ने बोले कभी भक्त चरण में अपराध नहीं करने चाहिए, भक्त चरण में अपराध हो जाएगा तो इसलिए हम लोग देखा रोज रोज क्या करते हैं जब परिक्रमा कीर्तन से शुरू करते हैं ना हम कहते बांचा चल कृपा सिंधु भाई बचन पावन सर संतों को वैष्णव को प्रणाम करते हैं, किसी हम साधु वैष्णव के चरण में जैसे हमारे कोई अपराध नहीं कर जाए, इसलिए हमें हर समय किसी विषय पर हमें सावधान रह करके भक्ति को धीरे 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 भक्ति में बढ़नी चाहिए। इसलिए अभी जो हम भजन गा रहे थे वृंदावन वासी जब वैष्णव प्रथ वंदना कर वृंदावन भक्त लोग रहते सबका चरण तो हम वंदना करते नीलाचल वास्तव का महाप्रभु का जितने नीलाचल के पास जितने भक्त सब महाप्रभु का गण है ना भूमि से बढ़िया बंद सवार हम भूमि में लेट करके सबका चरण तो हम वंदना करते हैं। जितने नवद्वीप वासी भैया छे पहले जो हो चुकी बाद में जो होएंगे हैं जो होए हो गए और जो होएंगे सबके चरण में मैं वंदना करता हूँ। इसलिए भागवत ने शिक्षा दिया तुम जितने बड़े क्यों नहीं, कोई बोलेगा ना हाँ अरे हम इतना बड़ा है हमारा कौन क्या बिगाड़ दिया है हम सब कुछ कर सकते हैं, तो भैया तुम जितने बड़े क्यों नहीं हो पर वैष्णव चरण में अपराध किया तो तेरे खैर नहीं। इसलिए भागवत में इसका उदाहरण दिया है जिस समय शंकर की अपमान हो रही थी विरुवा ऋषि उनको अपमान कर रहे थे वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए थे, शंकर
कर दी अपमान को दे करके हाँ 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 वही हंस रहा था। अरे कोई दाढ़ी हिला रहा था, बढ़िया हो रहा है, मजा आ रहा है। और कोई अपना मोच हिला रहा था, बढ़िया बढ़िया हो रहा है। अरे शंकर जी के अपमान हो रहे हैं, ये सब कर रहे थे। लेकिन जिस समय ने उन्होंने क्या किया, शंकर जी का अपमान कर दिया, स्थान नहीं दिया हाँ उसको, फिर अपमान कर दिया। फिर दक्ष प्रजापति, वो दक्ष प्रजापति, प्रजापति पद बहुत बड़े पद है, देवता में श्रेष्ठ पद उनको दिया गया, इतने बड़े व्यक्ति थे हैं। फिर उन्होंने शंकर जी को अपमान करने के लिए कंकाल में फिर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। लेकिन सभी के लिए तो यज्ञ भाव रखा, लेकिन इसे भोले बाबा के लिए कोई नहीं रखा। इसलिए सती ने जब वहाँ पर गई, देखा सभी के लिए यज्ञ का भाग है, लेकिन केवल श्री शंकर जी के लिए नहीं। इतने में सती ने बोले, जिनके प्रिय ना राम वैदेही, तजी कुटी वैर समझ यद्यपि परम सचि है। भले ही तुम्हारी परम प्रेम की पात्र क्यों नहीं हो, लेकिन जिनका प्रिय राम और सीता नहीं, उनको करोड़ों शत्रु मान कर त्याग देते। इसलिए सती ने देखा, जब तक ये शरीर रहेगा दुनिया हमें क्या बोले, किसकी बेटी, बोले दक्ष प्रजापति की बेटी, बोले दक्ष प्रजापति कौन, बोले शंकर जी को साथ में जो द्वेष करता है, शंकर जी को जो द्वेष करता है, शंकर जी परम वैष्णव है, परम भक्त है, एक संत से जो द्वेष करता है, जब तक ये दुनिया रहेगा दुनिया में हमें क्या बोलेंगे, किसकी बेटी, बोले दक्ष प्रजापति, बोले यही से दुष्ट व्यक्ति का साथ में मैं अपना नाम को जोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसलिए न रहेगा बाँस न बजगी वहीं पर उन्हें शरीर को त्याग दी। शरीर त्याग दी तो इतने में शंकर जी में जो पता चला ना, उन्हें उठाया, एक हार दिया कि जटा पटक दिया, तो वहाँ पर वीरभद्र प्रकट हो गए, भयानक व्यक्ति, बोले क्या करना, बोले दक्ष यज्ञ को तसनस कर दो। नाचते पूछते हुए गए शंकर जी ज्ञान को लेकर के, जो दक्ष प्रजापति इतना बड़ा पद उसको दिया गई थी, उसको गला काट कर दी, अवर पर लगाए, और वहाँ पर वैष्णव का अपमान भी जो हंस रहे थे, तो वैष्णव अपराध हंस रहा था, फिर दांत रहने का योग्य नहीं, मार मार कर दांत काट तोड़ दिए। जो दाढ़ी हिला रहे थे, उन्होंने दाढ़ी हिला रहा था, एक व्यक्ति का जिंदा ही दाढ़ी को काट दी। जो मोच हिला रहे थे, उसको मोच हुई उन्होंने उखाड़ दी, सबके सब इतने बुरी अवस्था की है। जो ऋषि मुनि लोग थे उनका अवस्था इतने बुरी, यहाँ पर शिक्षा देते हैं, तुम जगत में जितने बड़े व्यक्ति क्यों नहीं हो, अगर तुम वैष्णव अपराध किया, फिर वैष्णव अपराध को साथ में अगर साथ भी दे दो तो खैर नहीं। जैसे जब किसी वैष्णव अपराध होता हुआ है ना, देखो वहाँ से दुख हो जाना चाहिए, अपना कान में अंगुल देने भी चाहिए, नहीं तो वहाँ से दूर हट जानी चाहिए, नहीं तो तुमको भी उसका दंड भोगना, तुमको भी दंड भोगना पड़ जाएगा। इसलिए अभी जो कीर्तन हम गा रहे थे ना, ये कौन कीर्तन गा रहे, इन्होंने पहले श्री श्रीवास चरण में अपराध किया, श्रीवास चरण में अपराध किया, वो चार भाई रात पर कीर्तन करते थे, मिलकर कीर्तन करते थे, लेकिन इनका बड़ा नाम होता था वहाँ पर, एक गोपाल चापा उसने देखा इतना बड़ा नाम हो रहा है, रात भर कीर्तन करते, बोले सबको सामने सब नीचा दिखा दिया। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको रात को शराब मदिरा और एक फूल होता है जवा फूल, उसको सामने रख दिया, और देवी की पूजा की सारे सामान सामान रख करके सबेरे लोगों को बुलाया, बोले ओ तुम लोग सोचते हो रात भर कीर्तन करते, कीर्तन प्रसन्न नहीं करते, देखो क्या करते हैं, वही ऊपर से देवा देवी पूजा करती हैं, बस स्वर्ग से अपशरियों को बुला कर वो करते हैं, अब उनको लगता है बड़ा हरिनाम करते हैं, लोगों को बुला कर ना बदनाम कराया, बदनाम करा दिया तो उसको सारा शरीर में कुष्ठ हो गया, कूर हो गया, ना गले लग गया, गला में कीड़े पड़ गए, इतने कष्ट उठा रहा था। मैं रो रो करके महाप्रभु के पास हो गया, महाप्रभु बोले देखो अगर मैं जो कांटा प्यार में चुभ जाएगा तो सर में नहीं निकलेगा, वो प्यार दर का निकलेगा, तुमने जिनके चरण में अपराध की उनके चरण में तुम्हें माफी मांगना पड़ेगा। फिर तुमने शिवास चरण में माफी मांगे, फिर सब भक्त बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, हम
आकाश पंडित जी ने बताया, देखो एक काम करो, जिस मुंह में तुमने जहर पिए हो उसी मुंह में तुमको अमृत पीना पड़ेगा। जिस मुंह में तुमने जहर पिए हो उसी मुंह से तुम्हें अमृत पीना पड़ेगा, तभी ये जहर खत्म होगा। मतलब जिस मुंह में तुमने वैष्णव का निंदा किया है उसी मुंह से तुमको वैष्णव का महिमा गाना पड़ेगा, तभी पर अपराध भी होगा। सर्वने की जो भजन है ना, सारे वैष्णव का नाम बोलेंगे, सबकी चरण प्रणाम करके सबको प्रणाम करेंगे, वैष्णव ठाकुर हमारे पूरे आशीर्वाद करो, हमारे कृपा करो, जैसे भक्ति बढ़े जैसे हमारी भक्ति बढ़े और अपराध दूर हो जाए। ये कीर्तन ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव
सदा दंभम स्वा गुरु रतिम अपूर्व मति तरह। यहाँ पर विशेष उद्देश्य देते हुए कह रहे हैं कि सदा दंभम स्वा गुरु की तुम दंभ को परित्याग कर दो। दंभ क्या है? दंभ है अर्थात कपटता। जो हृदय में कपटता ईर्षा द्वेष लेकर हम चाहते हैं भगवान का भजन भी करेंगे और गुरुदेव से या वैष्णव से कपट भाव भी रहता है, बता रहे हैं उसका पूर्ण रूप से तुम्हें परित्याग करना पड़ेगा। माया छल कपटता अविद्या कुटिनाटी षटता इन सब का परित्याग करके क्या करो? पूर्ण रूप से शरणागत होकर, क्योंकि भक्ति तो करना चाहते हैं, भक्ति तो करना चाहते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण सारे भक्ति के अंग जो है वो पालन भी कर रहे हैं, लेकिन पालन करते करते क्या है, यदि हृदय में कपटता है, यदि हृदय में कपटता है, कपटता किसको बताया? कि हमारे इष्टदेव हैं गुरुदेव, हमारे इष्टदेव हैं श्री राधा कृष्ण युगल किशोर, तो इनकी सेवा के अतिरिक्त जो मन में अन्य अन्य वासनाएं, उसको बताया कपटता, सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो हमारा लोभ है। इसलिए जब भागवतम के अंतर्गत प्रथम प्रश्न किया कि आत्मा को परम शांति कैसे मिलेगी, तो उसका उत्तर देते हुए शुद्ध गोस्वामी ने क्या कहा कि अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा संप्रसिद्ध है। कि अगर भक्ति कर रहे हो, भक्ति किस प्रकार होनी चाहिए? अहेतु की, अर्थात हमें भगवान की सेवा कर रहे हैं और उसके विनिमय में यदि हम कुछ चाह रहे हैं, सांसारिक वस्तु हो या फिर और कोई वस्तु हो, तो उससे कल्याण नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि इसको पूर्ण तरह से परित्याग करना पड़ेगा और हृदय में एकमात्र इष्ट देव की सेवा वासना, हम अपने इष्ट को किस प्रकार प्रसन्न रखें। और ठाकुर जी को तो अभी हमने देखा नहीं, तो हमारे समक्ष तो गुरुदेव और सारे वैष्णव भी उपस्थित हैं, तो उनके हमारे उनसे हमारी किस प्रकार की प्रीति हो, उनको हम किस प्रकार प्रसन्न रखें, ये एकमात्र वासना यदि हृदय में होगी तब उसको बताएंगे ये ठीक है। वरना लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं उसके विनिमय में कुछ चाहते हैं। जब ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए गए थे, तपस्या करने के बाद में जब भगवान सामने प्रकट हुए तो भगवान ने कहा वर मांगो, तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मैं कोई बनिया थोड़ी हूँ, मैं कोई बनिया नहीं हूँ कि मैंने आपकी तपस्या करी और उसके विनिमय में आपसे कुछ चाहूँगा। इसलिए लेकिन वो किस उद्देश्य से आए थे, पिताजी से झगड़ा करके और इसी बात से आए थे कि मैं मुझे इनसे भी बड़ा राज्य प्राप्त हो, तो आशा तो थी मन में इच्छा तो यही थी, तो फिर भगवान ने उस इच्छा को भी पूर्ण करी। लेकिन यहाँ पर इसीलिए बता रहे हैं कि इष्ट देव की प्रसन्नता के अलावा, उनकी सेवा वासना के अलावा और हृदय में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता अर्थात निरंतर वही भक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर जब बड़ा सुखी समय था उस समय पर तो खूब भगवत भजन किया, जब दुखी थे तब तक वो भगवान के लिए बिलबिलाए, रोने लगे, हे भगवान आपने मुझे कष्ट दिया। लेकिन जब सुख का समय आया तब भगवान को भूल गए। नहीं, उदाहरण लेकर बताते हैं। जैसे एक शहद को अगर किस चम्मच से डालो तो एक कितना धागा बन जाता है कंटिन्यूस, जैसे वो निरंतर में जैसे धागा बना रहता है उसके अंदर, ऐसे ही भगवान की सेवा होनी चाहिए, ऐसे भगवान के प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बाधा विपत्ति आई तो भगवान का भजन छोड़ दिया, आला जहाँ का कहीं लटक गई है और दुख में निमग्न हो गया। नहीं, अब बता रहे हैं संसारिक वासनाएं तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी कपटता क्या है? तार मध्य
मोक्षवांछा कैतव व्रता, कि इस जड़ जगत की इच्छाओं को तो छोड़ दो। किसी किसी की इच्छा होती है कि हम बहुत दान पुण्य करेंगे और स्वर्गलोक की प्राप्ति करेंगे। बता रहे ये भी कपटता है, ये भी दम्भ है, इसको भी पूर्ण रूप से परित्याग करना पड़ेगा। और इससे भी ऊंची चीज़ क्या, ब्रह्मलोक की प्राप्ति या फिर तार मध्य मोक्षवांछा कहता हो प्रदान। कह रहे हैं यदि किसी को मुक्ति की भी लालसा हो, यदि कोई मुक्ति भी चाहता हो, तो मुक्ति भी क्या है, कपटता ही है, वो भी दम्भ है। अभी प्रश्न उठता है कि मुक्ति तो इतनी सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, मुक्ति के लिए तो बड़े बड़े ज्ञानी योगी सब ध्यान करते हैं, सब साधन करते हैं, तो मुक्ति को कहता क्यों बताया? मुक्ति को कपटता इसलिए बताया है क्योंकि उसके अंदर भगवान की सेवा नहीं है। कोई जीव यदि मुक्ति चाहता है इस उद्देश्य से, क्योंकि मुक्ति एक ऐसी जगह हो गई जहाँ पर जाकर जो इस जड़ जगत में क्लेश मिलते हैं वो क्लेश नहीं मिलेंगे। जैसे ये शरीर रहने पर ज्ञानी लोग क्या सोचते हैं कि ये शरीर तो सब दुख का कारण है ना, ये शरीर है तभी कष्ट है, तो हम क्या करेंगे, इस आत्मा को उस परमात्मा में लीन कर देंगे ताकि ना रहेगा बास ना बचेगी बास। तो इस शरीर को हम नष्ट कर देंगे और इस आत्मा को उस परमात्मा में लीन कर देंगे, तो इसको बताते वो लोग मोक्ष। तो ये मुक्ति में, लेकिन इसके अंदर क्या है, भगवान की सेवा वासना तो नहीं है, हम हमारे भगवान को कैसे प्रसन्न करेंगे, ठाकुर जी की किस प्रकार सेवा होगी, वो चीज़ नहीं है। इसलिए कह रहे हैं ये भी कपटता है, ये भी दम्भ है, इसको भी पूर्ण रूप से परित्याग करना पड़ेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, सामिप्यम शास्त्री सालोक्य देयमानम न गृणंती बिना भक्त सेवित बिना। कह रहे हैं कि भक्त को यदि ये सारी मुक्ति प्रदान भी की जाए तभी वो ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि हमें भगवान आपकी सेवा प्रदान करें। तो ये है, ये शुद्ध रूप में है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो क्या है, दम्भ है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि इस दम्भ को परित्याग करो। और उसके बाद एक चीज़ बताई कि अपूर्व रति, भगवान के प्रति विशेष रति उत्पन्न करो हृदय में। कि जैसे चैतन्य चरितामृत में क्या वर्णन है, जीवेर स्वरूप भय कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तदर्श शक्ति हृदय प्रकाश। कि जीव का स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप है वो भगवान का दास है। अभी इससे यदि इसके अलावा और कोई भी हमें अभिमान है, जो हमें अभी जड़ अभिमान क्या है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं अमुक व्यक्ति का पुत्र हूँ, मैं राजा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो ये जड़ अभिमान लेकर हमारी जो कुछ भी चेष्टाएँ हैं वो क्या है, उससे हम भगवान के प्रति अपूर्व रति उत्पन्न नहीं कर सकते। भगवान के प्रति रति कब उत्पन्न होगी, जब हम अपने नित्य स्वरूप में स्थापित हो जाएंगे। हमारा स्वरूप क्या है, कृष्णदास। जैसे कोई एक मालिक है और एक उसका नौकर है, तो नौकर का उद्देश्य क्या है, नौकर की सारी चेष्टाएं किसके होनी चाहिए, मालिक की प्रसन्नता के लिए, मालिक की सेवा करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर यदि हम कृष्णदास हैं, यदि जीव का स्वरूप ही है कि वो कृष्णदास है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये आत्मरति, आत्मरति किसको बताया, कि भगवान के प्रति जो स्वाभाविक प्रेम है उस अपूर्व रति को उत्पन्न करो, उस अपूर्व रति को उत्पन्न करो। जी रघुनाथदास गोसाई बोल रहे हैं कि इन सब में तुम्हारी मति तो लगाओ, लेकिन क्या करो, सबसे पहली बात तो बताया दम्भ को परित्याग करो और विशेष रति उत्पन्न करो। और एक चीज़ कह रहे हैं कि शीघ्र विधान करो, तो बताया ना कि अति शीघ्र इस चीज़ से चेष्टा करो। लोग क्या कहते हैं कि हाँ ठीक है, भगवान की कृपा होगी तो भक्ति हो जाएगी, बताया नहीं, आपको स्वयं चेष्टा करनी पड़ेगी, इसके लिए स्वयं चेष्टा करनी पड़ेगी। जैसे दामोदर लीला के अंदर भी, जब दामोदर लीला के टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, उन्होंने वहाँ पर दो नए न्याय बताए, क्या, एक तो बिल्ली और एक बंदर, दो न्याय बता रहे वहाँ पर। जैसे बिल्ली का बच्चा होता है, बिल्ली का बच्चा क्या, एक बिल्ली अपने बच्चे को बुक के अंदर लेके और इधर से उधर लेकर जाती है। अपनी इस बिल्ली की माँ का ही दायित्व होता है कि वो अपने बच्चे को इधर उधर ले जाए, बच्चा निश्चिंत होकर मुँह में पड़ा रहता है। उसके विपरीत बंदर का बच्चा देखा है अपने कैसे माँ को जकड़ के रखता है, तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है, बंदर का बच्चे का दायित्व होता है कि वो अपनी माँ को जकड़ के रखते हैं। अगर वो मान लो बीच में कहीं गिर गया, फिर माँ उसको और उठाती नहीं, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि कोई विचार करें कि हम अपनी चेष्टा से ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे, जैसे वो बंदर का बच्चा अपनी चेष्टा से ही माँ को जकड़ के रखता है, तो यदि कोई कहे कि हम अपनी चेष्टा से ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। और यदि कोई कहे कि भगवान की कृपा होगी तब जाकर हमें भक्ति कर पाएंगे, बता रहे हैं ऐसा भी नहीं, क्या करना पड़ेगा, दोनों को मिला देना पड़ेगा। इसीलिए क्या करो, शीघ्र विधान करने का अर्थ क्या है, कि आपकी खुद की तो चेष्टा होनी ही चाहिए। जब भगवान देखेंगे हमारी चेष्टा है
तो उस चेष्टा को देखकर भगवान भी कृपा करेंगे, भगवान भी तभी कृपा करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हमें अपने साधन के प्रति विशेष व्याकुलता रहनी चाहिए। ऐसे नहीं ठीक है हाँ गुरुदेव से माला ली है, हरिनाम जितने करना है कर लेंगे। विशेष व्याकुलता, व्याकुलता अर्थात हृदय में छटपट होना चाहिए। यदि एक दिन मानो संख्या नाम पूर्ण हुआ नहीं तो हृदय में इतना इतनी व्याकुलता रहनी चाहिए कि आज मैंने अपना नाम पूर्ण नहीं किया, आज मेरी अपनी संख्या पूर्ण नहीं हुई, आज मेरा ग्रंथ अध्ययन नहीं हुआ। इस प्रकार जब तक साधन में उत्कंठा नहीं होगी, जब तक ऐसी व्याकुलता नहीं होगी, तब तक भगवान की कृपा नहीं करेंगे। मैया यशोदा को सुबह से शाम हो गई बांधते बांधते, हर बार क्या दो उंगल रस्सी छोटी पड़ जा रही है। जब कृष्ण ने देखा कि माँ का परिश्रम करते करते पूरे शरीर से पसीना बहने लगा है, पूरा श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया, जब पूर्ण रूप से शरणागत होकर माँ ने जब प्रार्थना करी तभी जाके भगवान ने बंधन स्वीकार किया, तभी जाके स्वीकार किया ना। तो यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि साधन में जब तक उत्कंठा नहीं होगी, जब तक व्याकुलता नहीं होगी, तब तक भगवान की कृपा नहीं करेगी। तो शीघ्र विधान करने का अर्थ यहाँ पर रघुनाथदास गोस्वामी कह रहे हैं कि ये उत्कंठा को बढ़ाओ। अभी जब रघुनाथदास गोस्वामी ने कहा कि इन सब विषयों में हे मन तो अपनी रति लगाओ, तो यहाँ पर उन्होंने तीन प्रश्न उठा लिए। क्या यहाँ पर तीन शंकाएं उत्पन्न हो गई। पहली शंका यहाँ पर उत्पन्न हुई क्या कि यदि आप कह रहे हो कि भगवान का अनन्य रूप से भजन करो, तो अनन्य रूप से यदि भजन करेंगे तो फिर जो हमारा संसार कैसे चलेगा, क्योंकि हम नित्य नैमित्तिक कर्म करेंगे ना तो हम संसार में रह नहीं सकते, हमको ये कर्म तो करने ही पड़ेंगे, फिर हमारा संसार कैसे चलेगा यदि आप कह रहे हो कि मन को पूर्ण रूप से उनमें लगा दो। दूसरा प्रश्न उन्होंने उठाया कि आप कह रहे हो श्री राधा कृष्ण उसमें आना ब्रज रवि द्वंद्व शरण राधा कृष्ण युगल किशोर की उपासना करो, कि अगर हम राधा कृष्ण युगल किशोर की अनन्य उपासना करेंगे, उनकी यदि हम पूजा करेंगे, तो फिर सचिनंदन गौरहरी को किस रूप में पूजा करेंगे, क्योंकि वो भी तो राधा कृष्ण मिलित तनु श्री सचिनंदन गौरहरी हैं, तो उनको हम किस रूप में पूजा करेंगे, उनकी किस रूप में आराधना हो। और तीसरा प्रश्न उन्होंने उठाया, तीसरी शंका जो उत्पन्न होती है कि हम गुरुदेव किस रूप में पूजा करेंगे। तो इन तीनों प्रश्नों का, इन तीनों शंकाएं समझ में आया नहीं समझ आया। जैसे रघुनाथदास गोस्वामी ने प्रथम श्लोक में कह दिया कि हे मन तुम अपनी मति लगाओ किस किस में, गुरु में और गोष्ठी वृंदावन धाम में, हरिनाम में, अपने मंत्र में, सारे वैष्णवों में, श्री राधा कृष्ण युगल किशोर, मन को उपदेश तो दीजिए कि तुम अपनी मति इन सब में लगाओ। लेकिन अब गुरुदेव को किस रूप में हम लोग स्मरण करें, राधा कृष्ण को यदि हमें अनन्य उपासना करनी है तो श्रीमद् महाप्रभु का नाम तो आया नहीं प्रथम श्लोक में, महाप्रभु के विषय में तो कुछ कहा नहीं, तो महाप्रभु को किस रूप में हम लोग वंदन करें। और जो नित्य नैमित्तिक हमारे कर्म है, जो इस शरीर को पालन करने के लिए जो कर्म है, उनको हम क्या करें क्या ना करें, उसके विषय में भी कुछ कहा नहीं। तब रघुनाथदास गोस्वामी दूसरा श्लोक उद्धृत करते हुए कहते हैं, न धर्मम न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल करूँ ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम इहतम शची शूनु नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठत्व स्मरम परम जस्रम नंदनम। इसके अंदर वो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। हरे